गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। टेक आउट योर एसएसटी बुक्स एंड कॉपीज, ठीक है। ऑन एसएसटी बुक मैं आपको होमवर्क देने जा रही हूँ, सो टेक आउट पेज नंबर 10 और पेज नंबर 10 पे आप लगाएंगे होमवर्क की डेट एंड डे 7/7/2020, राइट होमवर्क एंड द डे इज ट्यूजडे, ओके, ऑन पेज नंबर 10। इसमें एक्टिविटी नंबर 5 आपके पास क्या है, पार्ट एक, सर्कल द करेक्ट वर्ड। आपको एक लाइन दी गई है, ठीक है, उसमें जो आपको वर्ड सही लगता है आपने उसको क्या कर देना है, सर्कल। बुक्स आर मेड अप ऑफ, के बुक्स किससे बनी हुई हैं, पेपर से बनी है तो पेपर को सर्कल करें, वुड से बनी है तो वुड से वुड को सर्कल करें, प्लास्टिक या क्लोथ, इसमें से जो सही है उसको आप क्या करते हैं, सर्कल। बुक्स गिव अस, बुक्स हमें क्या देती हैं, पानी, पनिशमेंट, सज़ा, नॉलेज, इल्म, ब्रेड यानी जो आप खाते हैं, जिसमें से ही आप उसको क्या करते हैं, सर्कल। पार्ट बी, राइट द नेम ऑफ योर फेवरेट बुक, जिस बुक आपको सबसे अच्छी लगती है, ठीक है। क्लास वन में आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं, आपको जो अच्छी बुक लगती है आप उसका नाम देखें और यहाँ पर लिख दें, ओके। पार्ट नंबर सी, व्हाट डज योर फेवरेट बुक हैव, सर्कल द राइट वर्ड। आप जो आपकी जो सबसे अच्छी बुक है उस बुक के खास बात क्या है आपने उसमें बताना है, या तो उसकी स्टोरीज अच्छी हैं या लेसन्स हैं या पॉइंट्स, या उसमें आपको तस्वीरें अच्छी लगती हैं, जो चीज़ें इसमें आपको अच्छी लगती हैं आप उसको क्या कर दें, सर्कल, ठीक है। सो ये आपका बुक वर्क है, आपने इसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर देनी है होमवर्क करने के बाद। अब आ जाते हैं इसके कॉपी वर्क पे, सो टेक आउट योर एसएसटी कॉपीज एंड राइट डेट एंड डे ऑन द न्यू पेज, राइट क्लास वर्क CW ट्यूजडे एंड द डे इज 7/7/2020। उसके बाद नीचे लिखना है नेम ऑफ द यूनिट, यूनिट नंबर 5, आई एम अ बुक। आप इसके साथ बुक भी बना सकते हैं, ठीक है, कोशिश करें खुद बनाएं ये। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट वर्ड कैपिटल, आंसर दीज क्वेश्चंस, फुल स्टॉप। कोशिश करें दो लाइंस के बीच में लिखें, ना वर्ड लाइन से ऊपर हो ना नीचे हो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, व्हाट इज अ बुक मेड ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उन्होंने पूछा आप बताएं बुक किस चीज से बनी है, तो बुक किससे बनी थी, आंसर, अ बुक इज मेड अप ऑफ पेपर, फुल स्टॉप। कि बुक किससे बनी है, बुक किससे बनी है जी, पेपर से। बुक किससे बनी है, पेपर, PAPER, पेपर। क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट लाइन में लिखना है फर्स्ट वर्ड कैपिटल, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम बुक्स, क्वेश्चन मार्क, कि हम बुक से क्या हासिल करते हैं, हम बुक से क्या हासिल करते हैं, वी गेट नॉलेज फ्रॉम बुक्स, हम बुक से क्या हासिल करते हैं, नॉलेज, KNOW, नो LEDGE, नॉलेज, नॉलेज मतलब इल्म, किसी चीज़ के बारे में मालूम होना, ठीक है, इल्म यानी चीज़ के बारे में मालूम होना। आप बुक्स जब पढ़ते हैं तो आप दुनिया के बारे में पढ़ रहे हैं, आप मैथ्स में काउंटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, दुनिया के बारे में, तो हमें क्या हो रही है, नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट इज बुक यूज फॉर, बुक हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, यूज मीन्स इस्तेमाल, used means इस्तेमाल, book is used for studying, full stop, book हम इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए, आपने देखा कि आधा क्वेश्चन से ही आ गया, book is used for studying, study, study, ing, studying, studying मतलब पढ़ने के लिए, ठीक है। आप इसके बजाय यहाँ रीडिंग भी लिख सकते हैं कि हम बुक इस्तेमाल कर रहे हैं रीड करने के लिए, कुछ बुक्स पे हम लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि बुक इज़ यूज फॉर राइटिंग, जो आपको सूटेबल लगता है आप यहाँ लिख सकते हैं। तो स्टडी मीन्स पढ़ने के लिए। ये 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने अपनी नीट कॉपी पे उतार लेने हैं, ओके, देन अल्लाह हाफिज़।